जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो टाइम भाई टाइम हो रहा है सुबह के, भाई क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गए भाई, 12 बजने लग गए। और मैं आया था टूटू, आज अपनी गाड़ी का नंबर अभी तक तो नहीं आया, शाम को देखते हैं, है ना। व्लॉग नहीं बंद कर रहा हूँ भाई, व्लॉग कंटिन्यू रखूंगा, टेंशन मत लो आप, व्लॉग नहीं बंद कर सकता। थोड़ा चेंज आएगा, मे बी 12 चक्का चलाऊँ ये चेंज आ सकता है, तो व्लॉग हो सकता है एक्सटेंड हो, या 3 या 5 दिन के बाद आया करें, या 2 दिन 4 दिन के बाद, है ना। जैसी बार ये कॉन्स्टेंटली बनी हुई, कॉन्स्टेंट बना हुआ है जो, वैसे नहीं आएगा, है ना। कोशिश करूंगा कि रेगुलर करूँ, पर नहीं हो पाएगा भाई, है ना। अभी बता देता हूँ आपको। तो अभी क्या सीन है कि मेरी थी आज, वही मैं आपको बता के आया था पिछली बार की, ट्रक प्रेमी, आपका ट्रक प्रेमी, उसकी री रिकॉर्डिंग थी। तो टाइम थी जो अपॉइंटमेंट दी थी अकीर भाई ने, वो 12 बजे की थी, मगर थोड़ा लेट हो गया। तो अभी जा रहा हूँ 12:30, 1 बजे तक तो आराम से पहुंच जाऊंगा जहाँ पे उनका उनका होम स्टूडियो है ना, घर पे। तो घर पे जाएंगे, वहाँ पे अलाव भी नहीं करता, आपको पता परिवार वाले थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ से इस गाड़ी में जा रहा हूँ, इसके साथ, चेले के साथ, जहाँ तक छोड़ देगा वहाँ तक इसके साथ जाऊँगा। मतलब ये गाड़ी धुलाने जा रहा है राजीव भाई, मैं रिकॉर्डिंग के लिए, फिर आगे से मैं भी बस लूँगा, फिर देखते हैं, आपको स्टूडियो दिखाता हूँ आज, होम स्टूडियो कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो अभी चलते हैं, फिर गाड़ी कटवाने का भी आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा। तो भाई कुछ ऐसी जगह कार वॉश कराई शिमला में लाल पानी के पास, देख सकते हो आप लोग। तो भाई टाइम हो रहा है अभी दिन के 1:15, और क्या सीन हुआ कि मैंने अकीर भाई को बोला कुछ मतलब गड़बड़ होगी, तो मैंने बोला कि रूम पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अपने ही रूम पे टूटू में। तो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, वो आएंगे शाम के टाइम, फिर लैपटॉप की गेम नहीं हो रही थी, तो लैपटॉप की गेम करी पहले। यार कोई मेरा हाथ पकड़ के भी ऐसा चले ना अगर, तो मेरा दिल खुश हो जाए, देख रहे हो, है ना भाई। छोड़ दिया, हमारे कहने पे छोड़ दिया। तो अभी शाम के टाइम ही रिकॉर्डिंग होगी रूम पे, जैसे भी होगी, जो भी होगा मैं आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो अभी अपन वॉशिंग वूशिंग करवा के यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं छाया में गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि जो लैपटॉप है वो मुझे ISBT में मिलेगा, ISBT में कोई मेरे को देगा, मतलब मिलेगा नहीं, इससे मैं पकड़ूंगा वहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधा ISBT से, पीछे पीछे कहीं छाया में रुक जाते हैं। तो भाई ये मुझे मिल गई आइटम, हेलो, ओ दानू, दानू, ओ दानू, हेलो, आजा मेरी जानम, ओ भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो भाई अभी दिन हो गया अगला, और भाई दिन के बज रहे हैं तकरीबन 3:30, और मैं आपको बताऊं कल भी नहीं हो पाया आपका ट्रक प्रेमी की रिकॉर्डिंग, आज के लिए बोला था जो भाई कर रहे थे, आज भी नहीं हो पाया। मैंने किसी से लैपटॉप लिया था, ये भी मैंने ऐसे ही लिया, काम तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ खाली इसमें मैंने गेम खेली। तो अभी क्या है कि मैंने गाड़ी लगवाई भी है अपनी राम प्यारी, तो मुझे लोड करनी पड़ेगी, और मेरी बैक में बहुत बेरहम दर्द हुई भी है भाई, तो लोड करनी पड़ेगी अभी ट्रक प्रेमी का, मुझे कुछ बनाना पड़ेगा सिस्टम, किस तरह से बनाऊँगा, क्या योग बनाऊँगा। तो अभी मैं टूटू से जा रहा हूँ दाड़लाघाट के लिए, तो गोलू भाई आ रहे थे, वो गए थे कहीं कार लेके, तो उनके साथ वापस जाएंगे, मैं हूँ, उस सर को भैया बैठा हुए हैं, हम दोनों जा रहे हैं दाड़लाघाट को, गोलू भाई का वेट कर रहे हैं अभी, मतलब जस्ट हम यहाँ पे आए, फ़ोन करता हूँ उनको कहाँ पहुँचे, फिर उनके साथ निकलते दाड़लाघाट को, फिर अपनी रामदारी लोड करते हैं, या फिर कुछ और सीन जो भी बनेगा मैं आपको बताता रहूँगा आपके साथ। तो दोस्तों ये आ गया गोलू भाई, बैठते हैं अंदर और चलते हैं। तो भाई अभी पहुंच गए अपन, कहाँ पहुंचे हम? गनाटी पहुंच गए भाई, और भाई चला रहे गाड़ी, और भैया पीछे बैठे हैं, कौन सा वन? तपोवन, इस जगह का नाम है तपोवन। और भाई हमारी पैकेज बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ गई है, और गाड़ी का मीटर तकरीबन 70 के आसपास। तो टाइम हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है तकरीबन शाम के 5:30, और अभी यहाँ पे हमें मनु भाई मिल गए, पिछले चक्कर हम 2 पल के लिए साथ थे, मगर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद नहीं हो पाए थे। तो मनु भाई ने आज नए व्हील कप असेंबल किए हैं गाड़ी में, ये वाले, ये देखो मनु भाई, रंग नहीं करवाया इनमें भाई, इनमें भी कलर होगा और फ्रंट में भी। ओ भाई
तो भाई पहुंच गए दाड़ला घाट और सबसे पहले तो लक्की का थैंक यू सो मच, अगर लक्की व्लॉग देखता होगा उसने अपना लैपटॉप मेरे पास दिया था और अपनी बिल्टी रामप्यारी की रही भावानगर की, इसको सुबह लोड करेंगे। दिक्कत क्या क्या भी गोलू भाई ने वो फंसा दिए मेरे को कि मेरी गाड़ी इनकी 60-35 लोड करो, इन्होंने लगवाई भी किरतपुर रैक के लिए, अभी वहाँ गोलू भाई गए हुए हैं गेट पास लाने के लिए। तो अब यार वैसे तो मेरे बैकेज बहुत खतरनाक है, पर सोच रहा हूँ कि चलो यार इनकी गाड़ी लोड कर लेता हूँ और आपके लिए व्लॉग भी बन जाएगा अच्छा सा, अंदर जाके आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। वैसे तो यहाँ तो लाइन लगी हुई है बड़ी लंबी, बट ऊपर नहीं गाड़ियाँ दिख रही है, तो सोच रहा हूँ कि भाई ऊपर से भागते भागते से ना एकदम से जाके गाड़ी लोड करता हूँ इनकी पहले, फिर कुछ सोचते हैं। अभी चलते हैं यहाँ से गाड़ी से इनकी, ये छोड़ देंगे हमें ऊपर। तो दोस्तों पहुँच गया व्हाइट शार्क में, चेक करो भाई, आया तो मैं पिछले 1.5 घंटे से हूँ मगर लाइन इतनी लंबी लगी है। तो अभी मेरा क्या प्लान है कि मैं गाड़ी करूँगा गोलू भाई की सुबह लोड, अभी मैं इसको अंदर लगा आऊँगा, तो ऐसा है कि अपनी रामप्यारी लेके सुबह जाऊँगा तो रामप्यारी भी सुबह लोड करनी है। तो भाई अभी तो देखो मैं तो नहीं अभी लोड करने वाला क्योंकि 11-12 बज जाएंगे भाई, क्या फ़ायदा, सुबह से 5 बजे जाऊँगा अपनी भी लोड करूँगा इसको भी लोड करूँगा। तो अभी क्या एंटर इसको अंदर करवा देते हैं, उसके बाद घर चलते हैं आराम से खाना वाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं क्योंकि भाई मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं कैसे आ गई है ये। और अंदर से आप व्हाइट शार्क चेक करो, बाकी मैं सुबह आपको दिखाऊंगा। अभी क्या करेंगे अंदर एंटर करवाएंगे गाड़ी और सुबह जाएंगे लोडिंग के लिए। तो दोस्तों जा रहा हूँ भाई अंदर और BS6 में, यही पता नहीं मुझे ही लगता है या बात सही में होता है, इसमें ना एक्सेलरेटर बहुत ज़्यादा ज़ोर से देना पड़ता है भाई। करवाते हैं गाड़ी का वेट, बड़ा टाइम हो गया यार, मैंने सोचा था मैं 7 बजे तक दोनों गाड़ी लोड करके बाहर निकल जाऊँगा। तो भाई लोड करके निकल गया हूँ बाहर, बस अभी आउट करवाऊंगा गाड़ी। और पता है आपको गोलू भाई को क्या बोलूँ मैं भाई, अपनी गाड़ी ना मैं अंदर लगा के आया तब खुद भाई इसको लोड करके बाहर लगाऊंगा, अपनी गाड़ी बाद में लेके आऊंगा भाई। और मेरी ना पीठ में इतनी ज़्यादा दर्द है ना बेरहम वाली, पर क्या बोलूँ मैं बोल नहीं सकता कुछ नहीं, सुबह से गया हूँ। अपनी गाड़ी बाद में लाऊंगा जाके, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी आउट करवाऊंगा अब और उसके बाद देखते हैं, फिर घर जाते हैं आराम से थोड़ा रेस्ट करते हैं यार। तो भाई गाड़ी आउट हो चुकी है, अब लगाने के लिए भी जगह देखनी पड़ेगी ना, एक पंगा नहीं है यहाँ पे, हमें बहुत ज़्यादा पंगे हैं। आप इसका प्रेशर ऑन सुनोगे, अगर मैं आपको प्रेशर ऑन सुनाऊँ इसका तो ये लो, इसमें कुछ इस तरह का प्रेशर हॉर्न है भाई। लगाऊं कहां मैं इसको, जगह नहीं है भाई यहाँ पे, ये वाली है ना, पर यहाँ पे कार लगती है यार, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। वही आगे इसके आगे 55-53 लगी ना इसके आगे, सोच रहा हूँ इसके आगे लगा देता हूँ, तब तक सिक्योरिटी वाला आ जाते हैं कि भाई गाड़ी हटा यहाँ मत लगा। पर चलो मुझे तो नहीं ऐसी कोई दिक्कत आती है नहीं, पर अगर बंदा नया हो ना कोई और गाड़ी हो तो उसको हो जाती है, मेरा तो चलो मैं कह देता हूँ कि घर यहाँ पे है भाई, घर जाना है, हट जा भाई हट जा, इतना टाइम लगा रहा है। ओ भाई कितना टच होती हुई गाड़ी आ रही है, वो देखो उधर, बस भाई यहाँ जैसे ठीक है, तो गोली आएगा ले जाएगा गाड़ी। तो भाई वहाँ लगा दी गोलू भाई की व्हाइट शार्क है ना, और त्रिपाल देखो आप कितना कितना डाल रखा है। और भाई खुद जा रहा हूँ अब घर को, मेरी पीठ में इतनी बेरहम वाली दर्द है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मरने जैसी हालत हो चुकी है, जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, बहुत खतरनाक दर्द है दोस्तों, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, किसी किसी के जाती होगी और समझ रहा होगा कि यार भाई आपकी फीलिंग क्या है। तो अभी घर की तरफ चलते हैं,